अगली खबर आ रही है मधुबनी जिले से, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कार्यालय भगेंद्र जाल सभागार में बैठक की आयोजित व बयान जारी कर पुलिस पर उठाया सवाल। मधुबनी जिले के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय भगेंद्र झा भवन के सभागार में जिला मंत्री मिथिलेश झा, बिहार महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, ट्रेड यूनियन जिला सचिव सत्यनारायण राय एवं अन्य पार्टी नेतृत्व के साथ आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में मधुबनी सहित बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली ही अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि मधुबनी जिले में अपराधियों का तांडव बस्तूर जारी है। कभी बैंक लूट, सड़क पर यात्रियों से लूट, पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े डकैती, शराबबंदी कानून को धज्जी उड़ाते हुए प्रशासनिक मिलीभगत से प्रत्येक दिन हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं।